बात दूसरी जंगे अजीम के वक्त की है। रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों की सप्लाई को हुकूमत ने यूरोप की लड़ाई वाले इलाकों की तरफ मोड़ दिया था, जिसकी वजह से मुल्क में चीजों की कमी होने लगी। यहां तक कि सिगरेट जैसी मामूली चीज भी ब्लैक में ही मिलने लगी। इस तंगी की चपेट में सबसे ज्यादा शायर, आर्टिस्ट और मुझ जैसे स्ट्रगलिंग राइटर्स आए। यहां तो बगैर एक दो कश लगाए कलम से अल्फाज ही नहीं निकलते थे। अब ऐसे हालात में कुछ लोगों ने अपनी इज्जत को ताक पे रख एक नया रास्ता निकाला, मुफ्त नोशी का, यानी मुफ्त की चीजों का इस्तेमाल। ये हराम है या हलाल, इस बहस में ना ही पढ़ें तो अच्छा है। आइए, मैं मंटो आपका तारुफ कराता हूं कुछ ऐसे किरदारों से जिनसे कभी आपकी भी मुलाकात हुई होगी। ये आदत मुफ्त नोशी की बड़ी दिलचस्प आदत है कि लग जाए किसी को तो बहुत मसरूफ रखती है। हॉस्टल से डिपार्टमेंट का सफर कितनी सी दूर का होता है, लेकिन नहीं, पान वाले की गुमटी देखकर दिल मचल जाता है। उतर गया सिगरेट लेने, एक मोहतरम अखबार की सुर्खियों का जायजा लेते लेते वहां आ पहुंचे। अब ये मुई माचिस कहां मर गई? कुछ झिझकते हुए मैंने अपनी सिगरेट सुलगा ली। हस्बे दस्तूर मैंने भी अपनी सिगरेट का डब्बा पेश किया। पर वो तो शायद मुंतजिर थे मेरी पेशकश के। इतनी तेज सिगरेट लेके रफू चक्कर हुए कि क्या कहिए। अजब बीमार सा दिल है, अजब खाना बदोशी है, किसी ने सच कहा है ये बुरी शाही मुफ्तनोशी है। उस रोज मैं इनकलाब पसंद के आखिरी ड्राफ्ट पे काम कर रहा था। एक के बाद एक सिगरेट चल रही थी। पड़ोस वाले कमरे का मिर्जा सिगरेट की बू सूंघता हुआ मेरे कमरे में घुस आया और एक सिगरेट की दरकार की। मेरे मना करने पर उसने मिस्कीनों जैसी सूरत बनाई और अपने कुम्हलाते हुए फेफड़ों की दुहाई दी। कहने लगा, यार डॉक्टर साहब ने सिगरेट ज़्यादा पीने के लिए सख्त मना किया है, अगर मैं अपने साथ अपना डब्बा रखूं तो खुद को रोक नहीं पाऊंगा। इससे पहले कि तरस मेरे जहन के कोनों में रेंगना शुरू करता, उससे पहले ही मिर्जा मुफ्तनोशी के गलबे में था, एक सिर फिरे नशेड़ी की तरह। ना अपनी थी कुछ खबर, ना था अहले जहां का होश, कहने को सर फिरा था पर अच्छा था मुफ्तनोश। सर्दियों की रात थी, मैं और जाफरी मटर गश्ती करने निकले। हमेशा की तरह वही सियासी मुद्दों पे बहस चल रही थी कि अचानक से हमारे आगे चल रहा शख्स पलट के वापस आया। उसके कदम कुछ लड़खड़ा से रहे थे। उसने मेरे मुंह में लगी सिगरेट निकाली और मजे से कश लगाता हुआ चला गया। हमें लगा पागल दीवाना है, लेकिन फिर समझ में आया कि पागल दीवाना नहीं बल्कि मुफ्तखोर सयाना है। मिलते हैं पुरखलूस ये, लहजा भी गर्म जोश, तौबा बचाए मौला ऐसे भी मुफ्तनोश। खाना अधूरा है अगर आखिर में सिगरेट ना। पर हमें क्या पता था कि हम बला को दावत दे रहे हैं सिगरेट सुलगा कर। वली,
हमारा पुराना दोस्त। मेरा ये यार लंदन रिटर्न था, जो एक खास ब्रांड की सिगरेट ही पीता था, विलायती ठाट बाट, पर दिल एक आने की चीज पर आ अटका। भाई वाह, गोल्ड फ्लेक लाओ भाई लाओ। हमने सोचा बात एक पे तमाम, उन्होंने तो दोस्ती यारी का दम भर के चार पांच और निकाल ली। यहां तो गरीबी का आटा गीला होके बह गया, दिल मसोस के रह गया। वतन से कोसों दूर हो आए, पर आदतें यहीं की यहीं रही। आंखों में इनकलाब और दिल में भरा है जोश, देखा जो गौर से तो ये हजरत थे मुफ्त नोश। उस दिन जैसे कलम में जंग लग गई हो, सोचा शायद सैर कुछ फायदेमंद साबित हो। मेरी आमद से बेखबर एक शख्स वहां तमंचे को पुरजोर नुमाइश पर लगाए बैठे थे। मुझे देख उनको उसे छुपाने का ख्याल आया। माचिस की लौ ने जैसे ही मेरी सिगरेट के सिरे को छुआ, वो साहेब मेरी तरफ खींचे चले आए। अमा नहीं यार, मैंने पूछा, क्या हुआ जनाब, सब खैरियत? कुछ नहीं भाई, फिर अपनी सिगरेट कमरे पर ही छोड़ आया। कोई बात नहीं, आप मेरी सिगरेट ले लें। बड़ी बेतकल्लुफी और जबरदस्ती की अपनाइयत जताते हुए उन्होंने पूरी बेशर्मी से बिल्कुल वही किया, मेरी ले ली, और वो भी कई बार, पूरे हक़ो खुलूस के साथ। अल्फाज तो आए नहीं, पर सिगरेट जरूर चली गई। हाय रे मुफ्तखोरी। पहले तो कुछ झिझक थी, तकल्लुफ भी था जरा, फिर यूं मिले थे मानो बरसों से आशना। एक बार एक आर्ट गैलरी से मेरा गुजर हुआ, उसमें मेरी नजर एक खास पेंटिंग पे पड़ी जिसमें कलाकार ने सिगरेट पेंट की थी। सिगरेट देखकर मुझे एक कश लगाने की तलब हुई। ना जाने कब एक नाजनीन मेरी साइड में आके खड़ी हो गई, और जैसे ही मैं सिगरेट का कश लेने की कगार पे था, वो तपाक से बोली, आदाब, आप ये कौन सा ब्रांड पी रहे हैं? मैंने कहा, गुड फ्लेक। क्यों? वो बोली, ओहो, मैं काफी अरसे से इसी ब्रांड को ढूंढ रही हूँ, लेकिन ये नामुराद कहीं मिल ही नहीं रहा है। हाय। अब मैं क्या कहता सिवाय इसके कि ये नोश फरमाइए। एक मासूम सिगरेट फिर मेरे तकल्लुफ और दूसरे की मुफ्त खोरी के परवान चढ़ गई। बज़ाहिर तो हैं शरीफ, बज़ाहिर तो हैं खामोश से, पर अल्लाह बचाए ऐसे नवाबी मुफ्त नोश से। एक रोज शाम के वक्त मेरी मुलाकात नवाब साहब से हुई। नवाब साहब एक निहायती दिलचस्प किरदार और मिजाजन काफी दिलदार इंसान थे। नवाब साहब ने बड़े खुलूस के साथ तांगा रुकवाया और साथ चलने की दावत दी। मैंने दिल ही दिल सोचा कि आज शायद मुफ्तनोशी करने का सुख मुझे मिलेगा। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वो बोले, वल्ला सिगरेट्स के मामले में मंटो की पसंद का कोई जोर नहीं। पूरे अलीगढ़ में अगर कहीं बेहतरीन और कीमती सिगरेट मिलेगी तो वो सिर्फ मंटो के पास। जरा दिखाओ तो आजकल क्या पी रहे हो। मेरी हसरतों पे वहीं ठंडा पानी पड़ गया। उनके बहुत इसरार के बाद मैंने डब्बा निकाला। मेरे मामूली से सिगरेट के डब्बे को देखकर वो चौंके, अरे ये क्या, मंटो और गोल्ड फ्लेक? कुछ तो खास बात होगी इसमें जो मंटो मियां इसे पीने। खुद तो ली ही, अपने चेले को भी एक टिका दी। ऐसा लगा मानो मुफ्तनोशों का खुदा जैसे मुझसे कुछ पुराना हिसाब पूरा कर रहा था।
खला की वजाहतों में भी ये खुशबू सूंघ लेते हैं। कहीं बैठो कहीं जाओ, ये जालिम ढूंढ लेते हैं। अपनी सिगरेट के साथ सुकून से कुछ लम्हे बिताने के लिए मैं एक सुनसान से बरामदे में आ बैठा। इतने में एक जनाब वहां भी आ धमके। जितनी देर वो साहब बात करते रहे, मेरा दिमाग उस सिगरेट के डब्बे पे था जिसमें अभी भी एक दो सिगरेट बाकी थी। जैसे ही वो आगे बढ़े, मुझे कुछ राहत मिली, लेकिन अफसोस, ये खाली डिब्बा मैं अपने बेटे के लिए ले जा रहा हूं, उसको खाली डिब्बों से खेलना पसंद है। खुदा हाफिज। हद है, अब मैं अकेले में सिगरेट भी नहीं पी सकता, छोड़ ही देते हैं कमबख्त को। ये लत ना जिस्म के लिए सेहतमंद है ना जेब के लिए। फिर दिल में ख्याल आया कि अगर सिगरेट छोड़ ही रहा हूं तो उस अज्जली का तो मजा ले लूं। पलटा तो ये मंजर पाया, मेरा पड़ोसी दोस्त उस अधजली लावारिस सिगरेट की कश लगा रहा था। हाय रे बदनसीबी, गरज के मेरी आखिरी सिगरेट भी एक मुफ्तनोश के हाथों हलाक हुई। हर दौर में थे जिंदा गो रहते पर्दापोश, हर दौर में रहेंगे जिंदा ये मुफ्तनोश।